Your Excellency Prime Minister Lee, Managing Director of the Monetary Authority of Singapore, Governor of Reserve Bank of India, भारत और सिंगापुर के मेरे साथियों, भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है। समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसेस का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। फ्रेंड्स, 5 साल पहले मैंने सिंगापुर में कहा था कि फिनटेक, इनोवेशन और युवा ऊर्जा में विश्वास का एक बहुत बड़ा उत्सव है। फिनटेक और डिजिटल क्रांति में भारत की सफलता की अगुवाई हमारे टेक्नोलॉजी ट्रेंड युवा ही कर रहे हैं। आज फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी ऊर्जा की वजह से आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों ने ही इसे ज्यादा से ज्यादा वे अपना रहे हैं। इसलिए आज बहुत से एक्सपर्ट्स
ये अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही भारत में डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन नकद लेन देन से अधिक हो जाएंगे। पिछले वर्ष यानी 2022 में यूपीआई के माध्यम से करीब 126 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 2 ट्रिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक मूल्य के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो ये भी 7400 करोड़ से अधिक होता है। ये दिखाता है कि भारत का यूपीआई सिस्टम कितनी बड़ी संख्या को आसानी से और सुरक्षित तरीके से हैंडल कर रहा है। अच्छा ये भी कि विभिन्न देशों के साथ यूपीआई की पार्टनरशिप भी बढ़ रही है। सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ आज पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च हुई है। मैं सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी, भारत के रिजर्व बैंक और इस प्रयास को सफल बनाने में जुड़े सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दोनों देशों की जनता को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।